क्या फ्रेंड्स, आप जानते हो गूगल और यूट्यूब हमें किस माध्यम से पैसा देता है? नहीं जानते हैं, सच में नहीं जानते हैं। अरे भाई क्यों नहीं जानते? तो भाई मैं किसके लिए हूँ? आप ही के लिए ना हूँ। तो फ्रेंड्स, गूगल और यूट्यूब हमको एडसेंस के माध्यम से पैसा देता है और एडसेंस हमको वायर ट्रांसफर के जरिए हमारे अकाउंट में पैसा भेजता है। क्या हम यूट्यूब अकाउंट बनाने से पहले एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं? हाँ फ्रेंड्स, आप यूट्यूब अकाउंट बनाने से पहले एडसेंस अकाउंट बना सकते हो। और आज मैं आपको लाइव प्रूफ बताऊंगा एडसेंस अकाउंट बनाने का तरीका। और ये तरीका आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं किया तो आप बहुत ही दिक्कत में पड़ जाओगे। हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि एडसेंस में एक मिस्टेक आपको ले डूबेगी, आपको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये सही बात है। वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं इसमें आपको एडसेंस अकाउंट यूट्यूब अकाउंट बनाने से पहले बना के दिखाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते अपने मोबाइल के स्क्रीन में। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन में आ गए हैं। तो जल्दी से अपने क्रोम ब्राउज़र का हम टैप करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे blogger.com। लिखने के बाद जो सबसे पहले वेबसाइट आएगा blogger.com, देख सकते हैं। इसमें टैप करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्रिएट योर ब्लॉगर, इसको हम लोग टैप करेंगे। टैप जैसे ही करेंगे इसमें हमारा ईमेल आईडी का जितना भी ईमेल आईडी है वो आ जाएंगे। तो हम अपना नया ईमेल आईडी भी बनाएंगे जिसमें यूट्यूब अकाउंट एक्टिवेट नहीं है, तो हम विनय कुमार मेहर है। इसमें हम लोग टाइप करेंगे, यहाँ अपना पासवर्ड डालेगा, पासवर्ड पूछता है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे चॉइस नेम दी योर ब्लॉगर। तो आपको पहले मैं अपना यूट्यूब अकाउंट दिखा दे रहा हूँ जिसमें अभी तक यूट्यूब अकाउंट कोई बना नहीं है। तो चलते हैं हमने यूट्यूब में और देख सकते हैं मेरा यहाँ पे विनय कुमार मेहर का है। यहाँ पे मेरा एक सेकंड रुकिए, विनय 9 सब्सक्राइबर दिख रहा है फर्स्ट वाला, उसी में लॉगिन है मेरा आईडी। इसमें योर चैनल में चलते हैं, माय चैनल में देखिए मेरा अभी तक यहाँ यूट्यूब अकाउंट बनल नहीं है। तो इसी अकाउंट में आपको पहले एडसेंस अकाउंट में बना के दिखाऊंगा अपने मोबाइल के ज़रिए। आप भी कर सकते हैं, क्योंकि बना लीजिए, नहीं तो 31 तारीख बाद GST लगने वाला है। तो इसमें अपना टाइटल भरते हैं, अगर मेरा अगला वीडियो देखना है GST वाला तो आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में आ जाएगा। यहाँ पे अपना टाइटल हमने भर लिया, विनय कुमार मेहर फोटोग्राफी के रिलेटेड इस यूट्यूब अकाउंट को बनाना चाह रहे हैं, मेरा दोस्त फोटोग्राफी करना चाहता है। तो यहाँ पे चॉइस ये यूआरएल फॉर योर ब्लॉग, तो यहाँ पे जो आपका जो यूआरएल है ना, तो देखिए इसमें अभी मैच नहीं कर रहा, सॉरी दिस ब्लॉग डिड नॉट मैच, मतलब अवेलेबल नहीं बोल रहा है आपके लिए। तो जब तक आप इसमें ट्राई करते हैं जब तक आपका कोई अवेलेबल नहीं होता, जैसे कभी मेरा ये अवेलेबल हो जाएगा, देखिए इज़ अवेलेबल, दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ अवेलेबल। जब ऐसा हो जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट नीचे आना है। ओके, एक सेकंड, थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा था मेरा, मैं के लगा रहा हूँ बड़ा फोटोग्राफी, हाँ ठीक है। तो आप कुछ नहीं करना, आपको नीचे आना है, नीचे एक सेकंड, हाँ ये नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के पर क्लिक करने पर डिस्प्ले नेम पूछता है, डिस्प्ले नेम में मैं अपना विनय कुमार फोटोग्राफी लिख रहा हूँ, विनय कुमार फोटोग्राफी। फिर हम फिनिश कर देना, जैसे हम फिनिश करेंगे हम लोग का ब्लॉगर बन के रेडी हो गया। देखिए यहाँ प्रोसेसिंग दे रहा है, डिस्प्ले नेम अपडेटेड। तो यहाँ जो डिस्प्ले का नेम है विनय कुमार फोटोग्राफी से आ गया है, ये हम लोग का ब्लॉगर बन के रेडी हो गया है। तो हमको तो जल्दी से यूट्यूब अकाउंट बनाना है, मतलब सबसे पहले आपको क्या करते हैं, एक पोस्ट डालते हैं इसमें। तो पोस्ट डालने से थोड़ा अच्छी बात रहेगी, दिखने में भी अच्छा दिखेगा। तो विनय कुमार फोटोग्राफी के नाम पर एक पोस्ट डालते हैं, यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, चलो दिस ब्लॉगर फोटोग्राफिक टिप्स ओनली तरुण कुमार, सॉरी तरुण कुमार नहीं लिखना था, विनय कुमार लिखना था, विनय कुमार। तो इसको कंफर्म करके सेव कर लेंगे हम लोग। जैसे हम लोग का जो पोस्ट है वो हो गया है, तो हमको तो अर्निंग करना है, तो हमको यहाँ पे अर्निंग का ऑप्शन देखिए है 3 स्लाइड में। तो आप इसको स्लो नीचे स्क्रोल करके आ जाइए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है क्रिएट एडसेंस अकाउंट, तो इसको हमको टैप करना है। इसको टैप करेंगे, टैप करते ही हम लोग का एडसेंस अकाउंट का जो मेन पेज है, मतलब एडसेंस अकाउंट पे हम लोग को ले आएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा यूआरएल जो मैंने बनाया था अभी जस्ट, विनय कुमार फोटोग्राफी blogs.com, तो आप देख सकते हो, पढ़ सकते हैं इसको, यही वाला यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही आ गया है। तो यहाँ पे गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, तो यहाँ पे हमको यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट योर कंट्री और टेरिटोरी, क्या नाम पता नहीं, उसमें हमको अपना इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, तो आपका अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। वहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करने के बाद रुकिए, कंट्री नहीं मिल रहा मेरे को, हाँ मिल गया,
यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे टर्म्स और कंडीशन आ जाएगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा और इसको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, चल नहीं तो जाया होगा। तो पढ़ने के बाद यहाँ पे लिखा है येस आई हैव रीड एंड एस्पेयर द एग्रीमेंट, मतलब इसको हम लोग येस कर देंगे, फिर इसमें क्रिएट अकाउंट कर देंगे। जैसे क्रिएट अकाउंट कर लेंगे हम लोग का जो गूगल एडसेंस का अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा, मतलब बन जाएगा। बनने के बाद हम लोग का पेमेंट ऑप्शन आएगा, देखिए गेट स्टार्ट करते हैं। इसको पहले पेमेंट सेटिंग करने के लिए आएगा, परमानेंट एड्रेस डिटेल्स भरने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो हमेशा गलती नहीं करना है इसमें, इसमें जैसे अकाउंट टैप देख रहे हैं ना, ये मेरा पेमेंट प्रोफाइल आईडी आ गया है, पढ़ देख लीजिए। अकाउंट टैप में आपको इंडिविजुअली ही रखना है, कभी भी आपको बिजनेस नहीं करना, क्योंकि बिजनेस किया तो आपको बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा आगे जाके। तो इसमें मेरा थोड़ा बहुत सेटिंग कर लेते हैं कुछ कुछ आगे पीछे। तो जैसे कि अकाउंट टैप यहाँ पर देख आपको दिखा दे रहा हूँ, इंडिविजुअल और बिजनेस, आपको कभी बिजनेस टैप नहीं करना है, आपको हमेशा इंडिविजुअल रखना है। तो हम अपना एड्रेस जल्दी से भर लेते हैं। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भी डाल लीजिएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर डालने पर थोड़ा सिक्योर हो जाता है, क्योंकि ओटीपी गिरता है। तो हमने अपना भरे, तो मेरा एक मिस्टेक है, विनय कुमार मेहर होगा, तो इसको थोड़ा सेटिंग कर लेंगे। एक सेकंड, सॉरी हम गलत लिख रहे हैं, विनय स्पेस कुमार मेहर, सॉरी मेहर स्पेलिंग गलत हो गया, फिर से MEHR, बताने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है इसलिए लिखने में थोड़ा स्पीड हो जा रहा है, तो स्पीड में काम कर रहा हूँ। इसलिए अपना मोबाइल नंबर सब कुछ ऐड होगा, फॉर्म को आप देख लीजिए अच्छे से, फिर यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको कहा जाएगा आप सिर्फ दो हफ्ते का वेट कीजिए, 24 घंटे के अंदर भी आपको इसका नोटिफिकेशन बन जाएगा, मिल जाएगा कि आपका मेल के जरिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा। खासकर दो हफ्ते में आपका जो एडसेंस अकाउंट एक्टिवेट हो गया, अभी पर इसका जो स्टेटस है वो भी एक्टिवेट है, लेकिन आपको जो ऐड आने वाले जो पैसे कमाने वाले सब इसमें कुछ कुछ प्रोसेस रहता है, सक्सेसफुल अभी नहीं हुआ है, वो आपको मेल के जरिए कन्फर्म कर दिया जाएगा। जैसे अपना अकाउंट में जाते हैं और पेमेंट्स वाला ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर देखिए मेरे जो एडसेंस का वॉलेट है वहाँ उसमें $0 शो कर रहा है, $100 होने के बाद यहाँ से पैसा निकलता है और यहाँ पे अपना ऐड अकाउंट करने का आता है, लेकिन अभी मेरा यहाँ कुछ नहीं हुआ है क्योंकि अभी खोले हैं, इतना तो आपको आगे पता ही होगा। जैसे इसका एक्टिवेट स्टार्ट बताते रहे हैं, जैसे कि अकाउंट स्टार्टस, मेरा पब्लिशर आईडी सब इसमें है, अकाउंट स्टार्ट ओपन है, देखिए अकाउंट स्टार्टस मेरा ओपन है, यानी अकाउंट मेरा एक्टिवेट हो चुका है। अब इसमें मैं अगर वेबसाइट के जरिए पैसे कमा सकता हूँ, ऐड आ सकते हैं, तो अभी अपना यूट्यूब मैं चैनल बनाना सिखाऊंगा आपको, जो इसी पे ही बताऊंगा आपको अच्छे से कि आपको यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करना है, कैसे बनाना है, कैसे आपको टाइटल रहना है, और टोटल मैं आपको सिखाऊंगा। करना कुछ नहीं, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अपने शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये जानकारी आपके पास नहीं रहना चाहिए, आपके दोस्तों के पास भी जाना चाहिए। तो आपको मैं अपना मेल भी चेक करके दिखा दूँगा, जैसे अभी मेरा मेल भी आ गया है, मेल में आया है पेमेंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चेंज, मतलब अभी मैंने एडसेंस अकाउंट का किया था और इसमें मेरा मेल भी आ गया कि आपने एडसेंस अकाउंट बना लिया है, जैसे सेकंड फर्स्ट वाला आया था वेलकम टू एडसेंस लिखा है, देखिए मेरा एडसेंस अकाउंट जो बन के रेडी हो गया है। कनेक्ट योर साइड, यानी मैं अपने साइड से कनेक्ट कर लूँगा तो मेरे को इनकम होने का स्टार्ट हो जाएगा अभी कभी अपने उस ब्लॉगर से, मतलब फ्री वाला ब्लॉगर है पर उसमें अगर मेरा व्यूवर्स आने स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें भी मेरा इनकम होने का जरिया बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, और कमेंट कीजिए कि आपको किस किस टाइप का वीडियो चाहिए और किस किस टाइप का आपको नॉलेज चाहिए, मैं वैसा ही वीडियो आपके लिए लाऊंगा। थोड़ी बीच में मैंने लड़की जैसा आवाज़ निकाल लिया, थोड़ा वो मत समझ लीजिएगा, कॉमेडी होना चाहिए थोड़ा बहुत, इसलिए थोड़ा बहुत हंस के मजाक से आपसे बात करता हूँ। और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर से कह दे रहा हूँ, कहे कि आप जब एक लाइक करते हो ना, साथ में मोटिवेशन निकलता है कि और वीडियो बनाओ भाई, और वीडियो पब्लिक आपको पसंद कर रही है। तो चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।